नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का राय और आप देख रहे हैं जीटीवी न्यूज चैनल। आइए अब नजर डालते हैं आज की खास खबरों की ओर। सियाना में कक्षा 10वीं के छात्र की निर्गम हत्या के विरोध में ग्रामीणों ने चिंगरावटी पुलिस चौकी पर लगाया जाम। ग्रामीणों ने बुलंदशहर गढ़ स्टेट हाईवे पर जाम लगाकर की हत्या आरोपियों को सख्त सजा की मांग। कल सिर पर वजनदार हथियार से वार कर की गई थी लक्ष्य की हत्या। मामूली विवाद में दिया गया वारदात को अंजाम। हत्याकांड को अंजाम देकर कोतवाली पहुंच गया था हत्यारा 12वीं क्लास का छात्र। बुलंदशहर के सियाना कोतवाली क्षेत्र बड्ढा में हुई कत्ल की वारदात। मैम, एक छात्र की हत्या कर दी गई है, क्या है पूरा मामला, किस तरीके से हत्या हुई है, कितने लोगों को हिरासत में लिया गया है और लोगों ने मृतक के परिजनों ने जाम भी लगाया, हाईवे जाम किया है, क्या उनकी मांगे हैं? कल जो है सूचना मिली थी लक्ष्य पुत्र योगेंद्र सिंह, जिसकी उम्र लगभग 16 वर्ष है, सनराइज स्कूल में पढ़ता है, उसके ही दोस्त द्वारा बताया गया है कि उस हत्या कर दी गई है। उसका नाम अभय है, वो पुलिस हिरासत में, उसके खिलाफ विधिक कार्रवाई की जा रही है। इस संबंध में 302 में मुकदमा भी पंजीकृत कर लिया गया है और जो इसमें जो पुलिस परिवार है, जो पीड़ित जो परिवार है, उसके द्वारा जो जाम लगाया गया था, उनकी कुछ मांगे थी वो सब सुन ली गई है, लिखित में उनसे ले भी ली गई है और समझा बुझा के उनको आगे अग्रिम कार्रवाई के लिए बता दिया गया है। और परिवार पूरी तरह से पुलिस से संतुष्ट है, कार्रवाई से भी संतुष्ट है और उनके द्वारा जो भी चीज़ें कही गई हैं उस पर भी गंभीरतापूर्वक विचार किया जाएगा। इसमें टीमें गठित कर दी गई हैं कि जो भी महत्वपूर्ण साक्ष्य अभी जो बचे हैं, जो विवेचना में शामिल होने हैं, उन्हें तत्काल में शामिल करके अग्रिम कार्रवाई करेंगे। मैम, कितनी टीमों को गठित किया गया है इस पूरे मामले में? इस संबंध में भी 4 टीमें गठित हैं जो इसमें काम कर रही हैं और इसमें अगर जरूरत पड़ेगी तो हम सर्विलांस और इसकी भी मदद लेंगे। ठीक है मैम, परिजनों ने कितने लोगों के खिलाफ थाने में FIR दर्ज कराई है, कितने लोगों को नाम दर्ज किया है? अभी पुलिस हिरासत में एक अभियुक्त है जिसको अभी हम विधिक कार्रवाई करके रिमांड के लिए भेजेंगे। इसमें उनके द्वारा और भी लोगों पे संदिग्धता बताई गई है, इस संबंध में हम गंभीरतापूर्वक बिल्कुल विवेचना में शामिल करेंगे और इसमें जाँच करेंगे। सर, हत्या किस लिए की गई है छात्र की? देखिए, इस पे मोटिव को भी पता करने का भी पूरा प्रयास किया जा रहा है। इनके पर इन्होंने जो पहले बताया है कि 2-3 दिन पहले इन बच्चों में आपसी कुछ झगड़ा हुआ था, ये बच्चे सेम स्कूल में पढ़ते हैं, सनराइज स्कूल में पढ़ते हैं, वहीं इनका कोई झगड़ा हुआ था और ये कह के कि पार्टी करेंगे, इस बच्चे को उसके घर से लेके चले गए और वहाँ इसके साथ जो है इस घटना को कारित किया गया। ठीक मैम, मेरा सोनू नाम है जी। सोनू जी, ये हाईवे जाम किया है, क्यों किया है, क्या वजह है? मेरा छोटा भाई लक्ष्य है, कल बड्ढा में उसका कत्ल कर दिया जी, 5 लड़कों ने मिलके, जिनमें एक जना हाजिर हुआ है और पुलिस ने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं करी है। पुलिस कहती है वो हमने पकड़ा है जबकि वो हाजिर हुआ। उसे छोड़ने के लिए एक लड़का आया नीरज नाम का बाइक पे, पुलिस ने उसको जाने दिया और उसको रोक लिया, लड़के को, अभय नाम का लड़का हो गया था। उसके बाद कोई कार्रवाई नहीं करी गई हमारे साथ, कोई इंसाफ नहीं है। हम यहाँ पर बैठे हैं सारे इंसाफ के लिए, हम मीडिया से, हम सारे अपने प्रशासन से, योगी जी से ये प्रार्थना करते हैं कि हमें इंसाफ मिले, हमारे छोटे भाई को इंसाफ मिले, हमारे सारे आरोपियों को पकड़ा जाए और हमें इंसाफ मिले, सारा सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए जी, सख्त से सख्त सजा। जैसा हमारा छोटा बालक, हमारा छोटा भाई, 14 साल का हमारा भाई, जो हमारा बच्चा हुआ हो गया है, उन्हें सजा मिलनी चाहिए और किसी का भी ना जाए ऐसे। पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं करी अभी तक, किसी तरीके की कोई कार्रवाई नहीं करी जी। इस अंक में फिलहाल इतना ही। इसी तरह की खबरों के साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।